यूएस आर्मी के टॉप जनरल ने एक ऐसी शॉकिंग न्यूज दी है जिसका ताल्लुक सीधे अमेरिका से है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं दिनेश गौतम। तो अमेरिकी सेना के जनरल ने दावा किया है कि महाशक्ति के दो दुश्मन अमेरिका में एटमी कोहराम मचाने की न सिर्फ साजिश रच रहे हैं बल्कि ज्वाइंट अटैक का डेडली प्लान तैयार भी है। अमेरिका में हमला कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस विनाशकारी हथियार से होगा, इसकी पूरी तैयारी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सुपर पावर चाहकर भी इस हमले को रोकने में या फिर पलटवार करने में कामयाब नहीं होगा। आखिर क्या है महाशक्ति के दो कट्टर दुश्मनों का सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक प्लान और क्यों इससे सुपर पावर परास्त हो जाएगा, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। चंद मिनटों में अमेरिका की राजधानी पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। सिर्फ वॉशिंगटन डीसी ही नहीं बल्कि सुपर पावर कंट्री का कोना कोना बारूदी पवंडर से थर्रा सकता है। साढ़े सात दशक पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ ठीक वैसा ही भयानक और रूह कपा देने वाला मंजर अमेरिका के हर बड़े स्टेट और हर बड़े शहर में हो सकता है। महाशक्ति अमेरिका की सरजमी पर होने वाली एटमी तबाही कोई हवा हवाई तावा नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन समेत पूरे अमेरिका को नक्शे से मिटाने का प्लान किसी और ने नहीं बल्कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों ने बनाया है। नाम है चीन और रूस, सुपर पावर के दो बड़े दुश्मन, दो बड़े प्रतिद्वंदी। अब सवाल ये है कि रूस और चीन ने ऐसा कौन सा खौफनाक प्लान तैयार किया है जिससे अमेरिका दहल उठेगा। आखिर इन दोनों ताकतवर देशों ने वो कौन सा हथियार बनाया है जो अमेरिका तक प्रहार करेगा, बारूदी पवंडर ला देगा। तो आपको बता दें कि अमेरिका पर तबाही के जो बादल मंडरा रहे हैं, रूस और चीन के ज्वाइंट अटैक की जो आशंका जताई जा रही है उसके पीछे की वजह है रूस और चीन की अमेरिका के खिलाफ विध्वंसक तैयारी और अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल की चेतावनी। पहले उसे देखिए। सुपरपावर अमेरिका की शॉकिंग न्यूज वन, चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। सुपरपावर अमेरिका के लिए शॉकिंग न्यूज नंबर टू, यूएस डिफेंस को फेल करने के लिए चीन ने एडवांस जैमर तैयार किया। सुपरपावर अमेरिका के लिए शॉकिंग न्यूज नंबर थ्री, मिडल ईस्ट में ड्रैगन ने पीएलए के लिए नया सैन्य अड्डा तैयार किया। सुपरपावर अमेरिका के लिए शॉकिंग न्यूज नंबर फोर, रूस ने अमेरिका पर अटैक के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की। सुपरपावर अमेरिका के लिए शॉकिंग न्यूज नंबर फाइव, यूएस आर्मी के जनरल ने महाशक्ति अमेरिका के हार की भविष्यवाणी की। जिस प्रकार से अमेरिका और चीन की टेंशन आपस में बढ़ रही है और चीन ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि वो ताइवान के ऊपर कब्जा करेंगे, ताइवान उनका हिस्सा है, ऐसे में जो अमेरिका की कमिटमेंट है ताइवान को बचाने की, उसके लिए चाइना क्या क्या कर सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि चाइना हो सकता है पूरे कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर दे कि जब चाइना का वहां हमला हो उस समय पे जो वहां पे की यूएस बेसिस है या ताइवान से जो बाहर जाने वाला कम्युनिकेशन है पूरे कम्युनिकेशन को अपने सेटेलाइट के जरिए, अपने एयरफोर्स के जरिए और जैमर्स के जरिए ब्लॉक कर दे। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल जॉन हाइटन ने इस बात की आशंका जताई है कि रूस और चीन किसी भी वक्त अमेरिका पर एटमी अटैक कर सकते हैं।
अमेरिकी जनरल ने ये तक दावा किया है कि अमेरिका के दो बड़े दुश्मन जब भी अटैक करेंगे तो सुपर पावर अमेरिका अपने दुश्मनों पर पलटवार करने में सक्षम नहीं होगा। क्योंकि जहां रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल मिनटों में अमेरिकी मेनलैंड में बारूदी कोहराम मचा देगी, तो वहीं चीन ने एक ऐसा जैमर सिस्टम तैयार किया है जो अमेरिकी सैन्य अड्डे के रडार और सिग्नल को ठप कर देगा। यानी अटैक से पहले अमेरिका को भनक भी नहीं लगेगी और ड्रैगन का विनाशकारी हथियार तबाही की खौफनाक इबादत लिख देगा। सबसे पहले बात रूस की विनाशकारी मिसाइल की, जिसे अब तक सबसे घातक हथियार माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर महीने में रूस ने सेवरोद्विंसक न्यूक्लियर सबमरीन की मदद से किलर मिसाइल को बैरेंट्स सी में दागा था। लॉन्च होने के साथ ही रूसी मिसाइल ने बैरेंट्स सी में मौजूद टारगेट के चीथड़े उड़ा दिए थे। हालांकि रूस जैसे ताकतवर मुल्क के लिए इस तरह की मिसाइलों का टेस्ट करना आम बात है, मगर प्रेसिडेंट पुतिन ने जिस डेडली मिसाइल का टेस्ट किया उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हालांकि न्यूक्लियर सबमरीन से दागी गई ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं थी, बल्कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिसका नाम है जिरकॉन। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर रूसी डिफेंस ये दावा करता रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र धरती की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल है। ये अपने एक वार से किसी भी टारगेट को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। रूस ने एक साथ दो जिरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया। रूसी डिफेंस के मुताबिक सेवरोद्विंसक न्यूक्लियर सबमरीन से पहले जिरकॉन मिसाइल को जब दागा गया तो उसने बैरेंट सी के तल पर मौजूद पहले टारगेट को जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त कर दिया। इसके बाद परमाणु पनडुब्बी से दूसरी जिरकॉन मिसाइल को दागा गया। इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल समंदर के भीतर 131 फीट की गहराई तक गई और वहां मौजूद दूसरे टारगेट को चंद मिनटों में ही तहस नहस कर दिया। महाबली रूस ने आधुनिक युग के प्रलयंकारी हथियार का सफल टेस्ट करते हुए ये जता दिया कि मिसाइल पावर में आज भी रूस का कोई स्थानी नहीं। वैसे भी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पुतिन का सबसे पसंदीदा हथियार है। कुछ साल पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने जन्मदिन के मौके पर इसी मिसाइल का टेस्ट किया था। इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही रूस ने दुनिया के कई मुल्कों को सदमे में डाल दिया और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है सुपर पावर अमेरिका का। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल करीब 10 मीटर तक लंबी है। जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 9 गुना तेज है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 से 1000 किलोमीटर तक है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे नहीं पकड़ सकता। ये मिसाइल 400 किलो तक आयुध अपने साथ ले जा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि बैरेंट सागर में अपने टारगेट तक पहुंचने में इस मिसाइल को मात्र 4 मिनट का वक्त लगा। यही बात अमेरिका को खाई जा रही है, क्योंकि अगर रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल वॉर जोन में किया तो दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी और ये किलर वेपन तबाही मचा देगा। रूस की तरह चीन ने भी दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छुपे एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। एक ब्रिटिश अखबार ने अगस्त महीने में चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट का दावा किया था। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अगस्त में के इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की घोषणा ड्रैगन ने सोची समझी साजिश के तहत नहीं की, क्योंकि इस बार चीन का टारगेट एटम बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं बल्कि अपनी परमाणु मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजना था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। चाइना ने कहा है ये मिसाइल का टेस्ट नहीं था, वो तो अपनी रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट का टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जनरल हेटन ने चेतावनी दी है कि पिछले 5 साल में, जबकि चाइना सैकड़ों ऐसे टेस्ट कर चुका है, अमेरिका ने केवल 9 टेस्ट किए हैं।
और वो कभी भी अमेरिका पर सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखता है। लेकिन जनरल हेटन की चेतावनी अपने देशवासियों के लिए है कि अमेरिका भी इसी तरीके से डेवलपमेंट शुरू करे। चाइना इस दशक के आखिर तक 1000 न्यूक्लियर वेपन रखने की क्षमता रखता है। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी एटमी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग मार्च रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा। इस मिसाइल ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और फिर अपने टारगेट पर रफ्तार के साथ हमला बोला। अगस्त महीने में चीन ने स्पेस मिसाइल का टेस्ट किया, वो फेल रहा क्योंकि मिसाइल को जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर एटमी अटैक करना था वो ऐसा करने में नाकाम रही। मगर इस बार ड्रैगन की किलर मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशान लगाया। बस इसी खबर ने अमेरिका समेत तमाम मुल्कों को खौफजदा कर दिया। चीन और रूस की इसी तैयारी से अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल खौफजदा हैं और ये आशंका जता रहे हैं कि किसी भी क्षण ये दोनों देश अमेरिका को अपने एटमी चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएम भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।